सर्चिंग की टेक्निक्स में दो तरह की टेक्निक्स आती हैं, लीनियर और नॉन लीनियर सर्च। लीनियर सर्च ऐसी सर्चिंग टेक्निक होती है जिसके अंदर एरे जो होता है, एक एरे के एलिमेंट्स होते हैं, उनको हम वन बाय वन एलिमेंट को चेक करते हैं। वो जहाँ पर वो एलिमेंट हमें जिस लोकेशन पर मिलता है, उस एलिमेंट को हम उस लोकेशन पर फाइंड कर लेते हैं। इसलिए इस टेक्निक की हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सपोज अ लीनियर डाटा, लीनियर एरे डाटा कंटेन एन एलिमेंट। वो कहता है कि एक लीनियर डाटा एरे है जिसमें एन एलिमेंट्स हैं, काफ़ी सारे। एन का मतलब है कि कितने भी, जितने भी हो सकते हैं, मतलब 10, 15, 20 एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो एन जनरल वर्ड यूज़ किया उसने ताकि आपको कन्फ्यूज ना हो। एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, काफ़ी सारे भी हो सकते हैं, थोड़े से भी हो सकते हैं। तो उसके बाद उसने कहा एंड सपोज अ स्पेसिफिक आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ गिवन, कि आपको एक एरे दिया जाता है, डाटा एरे दिया जाता है। उसके बाद आपको एक एलिमेंट या एक आइटम दिया जाता है जो कि आपको कहा जाता है एक इंफॉर्मेशन है और इसको आपने सर्च करना है। वी वांट आइदर टू फाइंड द लोकेशन ऑफ द आइटम, हम चाहें तो उसकी लोकेशन भी फाइंड कर सकते हैं आइटम की इन द एरे, ठीक है ना, बाय सेंडिंग द मैसेज। मैसेज कौन सा हो सकता है कि एल ओ सी इज इक्वल टू जीरो। अगर एल ओ सी इज इक्वल टू जीरो हम कर दें तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि लोकेशन जो है वो फाइंड ही नहीं हुई एलिमेंट की, ठीक है। और इसके अपोजिट हम क्या करेंगे, अगर लोकेशन उसकी फाइंड हो जाएगी एलिमेंट की, तो हम कहेंगे कि एलिमेंट हमारा फाउंड हो चुका है। तो इस तरह हम क्या करेंगे, इसमें हम वन बाय वन जो है एलिमेंट कंपेयर करेंगे, ठीक है। उसमें जहाँ पर भी हमें वो एलिमेंट मिलेगा सर्च करते हुए, वो एलिमेंट हम कहेंगे कि हमें उस लोकेशन पे, फलां लोकेशन पे हमें ये एलिमेंट मिल गया है। द लीनियर सर्च एल्गोरिदम सॉल्व द प्रॉब्लम्स बाय कंपेयरिंग आइटम। आइटम्स को आपस में कंपेयर करते हैं, एलिमेंट्स को वन बाय वन, एक एक करके इसमें करता है, जबकि नॉन लीनियर में एक एक करके नहीं करता, ठीक है। उसमें सीक्वेंस कोई नहीं होती, इसमें सीक्वेंस में वन बाय वन करता है सर्च विद एलिमेंट इन द डाटा। डाटा में जो भी एलिमेंट होते हैं जितने भी, तो जब उसकी पोजीशन हमें मिल जाती है एलओसी की, यानी ये लोकेशन जो होती है जिस लोकेशन पे वो एलिमेंट होता है जिसको फाइंड करने के लिए कहा गया है, तो हम वहाँ पर अपनी सर्च को रोक देते हैं। तो इस सर्च को, टेक्निक को कहते हैं लीनियर सर्चिंग टेक्निक। देन अगेन उसके बाद हमारे पास आया है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च की जो टेक्निक है, इसके अंदर हम एलिमेंट जो होगा वो वन बाय वन हम कंपेयर करके या आइटम्स को वन बाय वन चेक नहीं करेंगे। इसके अंदर हम रेंडमली जो होता है ना, हम फाइंड कर लेते हैं जो भी हमें एलिमेंट। सपोज हमें कोई अगर चीज़ फाइंड करने के लिए डाटा आइटम कोई दिया जाता है, तो इसमें जो चीज़ कंसिडर की जाएगी वो ये देखी जाएगी कि जो डाटा है हमारा एरे के अंदर जो स्टोर है वो सॉर्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर तो डाटा सॉर्ट होगा तो फिर हम बाइनरी सर्च की टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो बाइनरी सर्च की टेक्निक उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब डाटा सॉर्ट होगा। फॉर एग्जांपल, अगर इस टेक्निक्स में होता ही है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई डिक्शनरी है, इस तरह काम करते हैं, जैसे डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी के अंदर जो डाटा होता है जितना भी होते हैं, वर्ड्स होते हैं, वो सारे किसी ना किसी सीक्वेंस में सॉर्ट होते हैं। जैसे डिक्शनरी जो होती है वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में सॉर्ट होती है, तो अगर आपको डिक्शनरी में कोई वर्ड ढूंढना होता है तो आप सबसे पहले डिक्शनरी को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद आप जो ऑर्डर होता है, अगर वो वर्ड ए से स्टार्ट हो रहा है तो आप फर्स्ट पेज से ओपन करके उसको ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपको जल्दी मिल जाता है वो वर्ड। इंस्टेड ऑफ कि आप पूरी की पूरी डिक्शनरी 400 पेजेस की या 500 पेजेस की डिक्शनरी आप देखेंगे वर्ड बाय वर्ड, उसके बजाय आप ये करेंगे कि आप उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि वो सॉर्टेड होगा। तो ये टेक्निक उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब हमारा डाटा जो होगा वो सॉर्ट होगा।